और हर बार तूफान के अलग अलग नाम भी रखे जाते हैं, जैसे मोचा, बिपरजॉय, ताउते, उम्फा, फलन। चक्रवाती तूफानों के ये नाम आपने बहुत बार सुने होंगे, और हमारा आज का सातवां सवाल यही है। और हमारा सवाल है कि क्यों आते हैं तूफान और कैसे रखे जाते हैं इनके नाम। आप जो हम रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि आखिर मौजूदा तूफान का नाम मिचोंग क्यों पड़ा। बंगाल की खाड़ी से निकला चक्रवाती तूफान मिचोंग अपने साथ तबाही और बर्बादी लेकर आया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी पर चक्रवाती तूफान मिचोंग की दस्तक से पहले जोरदार बारिश कहर बरपा रही है। कई तटीय इलाकों में मछुआरों को आगाह किया गया है और समुद्र की तरफ जाने पर सख्त रोक लगाई गई है। केंद्र और राज्य सरकारों की नजर लगातार इस तूफान की गति और इसके असर पर बनी हुई है, लेकिन भारत समेत दुनिया भर में तूफान का आना कोई नई बात नहीं है। समय समय पर चक्रवाती तूफान देश और दुनिया के तमाम हिस्सों को प्रभावित करते रहते हैं। दरअसल साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियां। चक्रवात एक सर्कुलर स्टॉर्म यानी गोलाकार तूफान होते हैं, जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। ये गोलाकार तूफान एकदम कुंडली मारकर बैठे सांप की तरह नजर आते हैं, इस कारण इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के मुताबिक दुनिया में एक समय में एक से अधिक साइक्लोन हो सकते हैं और ये लंबे समय तक जारी भी रह सकते हैं। ऐसे में उन तूफान को लेकर बढ़ने वाले जोखिम के प्रति जागरूक करने, बचाव और राहत कार्य के प्रबंध करने और किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए हर तूफान को एक नाम दिया जाता है। WMO ने कुछ नियम तय किए हैं जिनके तहत दुनिया भर में तूफानों का नामकरण किया जाता है। साइक्लोन के नाम रख सकते हैं इंडिया, भारत हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इवन समटाइम्स होगा मलेशिया, सिंगापुर, ये सब वहां पे नाम रखते हैं। और उसकी सूची आपको WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे मिलेगी। वैसे अरेबियन साइड में होता है तो सोमालिया भी रख सकता है भारत पे। तो ऐसे अगले 10-15 साइक्लोन्स का जो नाम नाम की सूची है पूरी, वो हमें वहां पे मिल जाएगी। उस तरीके से उसका नाम रखा जाता है। हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास होना जरूरी होता है। यही वजह है कि साइक्लोन अधिकतर गर्म इलाकों में ही बनते हैं। दरअसल समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम हवा होने की वजह से हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। उससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर कम हो जाता है। इस खाली जगह पर आसपास की ठंडी हवा पहुंचती है और वो भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इस तरह ये साइक्लोन शुरू हो जाता है और इससे बादल बनने लगते हैं। तमाम इलाके बारिश से प्रभावित होते हैं और इससे एक स्टॉर्म साइकिल तैयार हो जाती है जो साइक्लोन कहलाती है। इस बार चक्रवाती तूफान को मिचोंग नाम म्यांमार ने दिया है, जिसका मतलब होता है ताकत और लचीलापन। साल 2023 में ये तूफान बंगाल की खाड़ी का अब तक का चौथा तूफान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे।